अब देखते हैं हम कर्क राशि। कर्क यानी ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए समय कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। हम जो सोचते थे शायद वह काम नहीं हो रहा है, लेकिन आपके राहु महाराज और केतु महाराज की वजह से साथियों के बीच मतमतांतर होने की संभावना है। पैसों की लेन देन से आपको दूर रहना है। शेयर बाजार वगैरह में अगर काम करते हैं तो वहां से भी आपको दूर रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम और सुंदर दिखाई दे रहा है। जो संतान प्राप्ति इच्छुक वांछित लोग हैं उनके लिए समय बिल्कुल अच्छा है। समय बेस्ट दिखाई दे रहा है। भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। शनि महाराज की वजह से प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांसेस अच्छे दिखाई देते हैं। अन्य नौकरी आदि वर्गों के लिए समय बेहतर और उत्तम है। आपके घर में कोई वाद विवाद चल रहा था या पैसों का लेन देन का कुछ मैटर है, उस मैटर में भी समझौता होने के चांसेस हैं। आप समझौता अवश्य कर लीजिए। क्या करना है तो बेहतर बनाने के लिए सप्ताह को आपको एक छोटा सा उपाय करने की जरूरत है। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए और विष्णु भगवान के मंदिर में चावल का दान देकर आप दिन की शुरुआत करेंगे। आपके लिए सप्ताह बेहतर जाएगा।